हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बच्चों आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, कि किसी भी मैट्रिक्स की हम रैंक को कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल के थ्रू हम क्या समझने वाले हैं, किसी भी मैट्रिक्स की रैंक को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक 3x3 की मैट्रिक्स है बच्चों। सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। देखिए इसके एक ही दो स्टेप है, एक दो स्टेप में आप सीधे से रैंक फाइंड कर लेंगे। अगर हमने इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो आपको डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता होगा। एमएससी बीएससी के बच्चे हैं, क्लास 10th के बच्चे, 12th के बच्चे भी जो होंगे उनको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना आता होगा। ये हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करना है, जो कंपोनेंट दिख रहे हैं उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऐसे करके हम इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0। अब 0 इसका क्या हुआ बच्चों, डिटर्मिनेंट आ गया। 0 आने का मतलब क्या हुआ, जो इस मैट्रिक की रैंक होगी, फिर से सुनिएगा, 0 आने का ये मतलब हुआ जो इस मैट्रिक्स की रैंक होगी वो लेस देन क्या होगी बच्चों, 3 होगी। अब मैट्रिक्स की रैंक लेस देन 3 होगी मतलब 3 तो होगी नहीं, अब 0 आ चुका है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब यहाँ पे 0 आएगा, ये डिटर्मिनेंट अगर 0 आएगा, उस केस में हमें 2x2 मैट्रिक्स लेनी है। फॉर सपोज अगर यहाँ 0 के अलावा 1 2 3 4 हमारा कुछ भी आता, 0 के अलावा 1 2 3 4 कुछ भी आता उस मैट्रिक्स की रैंक, जैसे 3x3 मैट्रिक्स है हमारी, तो उसकी रैंक क्या हो जाती बच्चों, 3 हो जाती वहां पे। लेकिन यहां पे क्या है, हमारा 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ अब मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं होगी, 3 से कम होगी। अब हमें क्या करना है, कोई भी आप इसके 2x2 मैट्रिक्स ले लीजिए, चाहे तो आप ये वाला मैट्रिक्स ले लीजिए 2x2, या फिर आप ये वाली मैट्रिक्स ले लीजिए 2x2, या फिर ये वाली मैट्रिक्स ले लीजिए आप, ये वाली मैट्रिक्स ले लीजिए 2x2 में, तो आप कोई सी भी मैट्रिक्स ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स को लिया हुआ है 2x2 के उसमें। अब हम इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये आ रहा -2। देखिए बस 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कुछ भी आए वो। अब यहाँ पे -2 आ गया, इसका मतलब ये हुआ ये जो हमारी गिवन मैट्रिक्स है ऊपर वाली, इसकी रैंक क्या होगी बच्चों, 2 हो जाएगी। अब हमें इसको कंफर्म करने के लिए हमने क्या करा, एक अनादर 2x2 की मैट्रिक्स ले ली। तो कंफर्म करने के लिए एक ये वाली मैट्रिक्स हमने सॉल्व करी है, इसमें 1 आ रहा है, बस 0 नहीं आना चाहिए चाहे कुछ भी आए। तो यहाँ पे 1 आ गया, इसका मतलब रैंक क्या हुई इसकी, 2 हुई। मैंने फिर आपको समझा रहा हूँ, अगर 0 आएगा, जैसे 3x3 की मैट्रिक्स है उसमें 0 आएगा तो उसकी रैंक 3 ना हो करके 3 से कम होगी। अगर 2x2 की मैट्रिक्स है, जैसे यहाँ 2x2 की मैट्रिक्स हमने लिया था, अगर उसमें भी 0 आता तो इसका मतलब ये था उस मैट्रिक्स की रैंक 2 से कम होती। लेकिन अगर यहाँ पे 0 के अलावा 1 2 3 4 माइनस में भी 1 2 3 4 अगर आता, तो हम सिंपल से लिख देते उस मैट्रिक्स की रैंक क्या है, 3 है। तो आई होप बच्चों आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए।